दोस्तों, ये हमारा चटनी तैयार हो गया है। अब इसको हम पी लेंगे। बहुत ही कड़वा लगेगा, तो इस चटनी को पीने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है। पर साल भर बुखार से, बीमार से या वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए इतना तो हमें बर्दाश्त करते हुए, कड़वापन को बर्दाश्त करते हुए थोड़ा हिम्मत करके इसको साल में एक बार चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रथमी को यह चटनी को सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है। अभी हम इसको पी ले रहे हैं। आज चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष प्रथमी है और सुबह का टाइम है, और इसको अभी हम पी लेंगे। मैं बस बहुत ही पीता है, मैं इसको एक घूंट पिया था, हालत खराब कर देता है। पर हिम्मत करके आप लोग इसको पीजिएगा। आप लोग थोड़ा नमक थोड़ा ज़्यादा मिला देंगे तो तीतापन थोड़ा घट जाएगा। हो गया। अभी आप सबको पता होगा कि कोरोना का महामारी हमारे देश में फैल रहा है। तो कोरोना का लक्षण, शुरुआती लक्षण होता है खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन, उसके बाद में बुखार। देखिए, कोरोना से तो अभी हमारे पास कोरोना से लड़ने का, बचने का उपाय, तरीका अभी नहीं है। पर खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन और बुखार या फिर वायरल इन्फेक्शन, ये सबसे बचने का उपाय हमारे आयुर्वेद में, जड़ी बूटी ज्ञान में हजारों हजारों वर्षों से है। तो हम कोरोना से बचें या ना बचें, हमें खुद को खांसी से, थ्रोट इन्फेक्शन से, बुखार से, वायरल इन्फेक्शन से बचाना है। यदि हम खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बुखार से अगर हम खुद को बचा लेते हैं तो कोरोना तो आएगा ही नहीं। तो हमारा ध्यान अभी कोरोना से बचने के ऊपर नहीं होना है, हमारा ध्यान अभी खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन या फिर बुखार से बचने के ऊपर होना है। तो अभी हमने ये नीम पत्तियों का चटनी ले लिया, पी लिया, इसका मतलब अभी हम बुखार से बच गए। आप बुखार से बच गए मतलब आप 50% कोरोना से बच गए। अभी और क्या है, खांसी से बचना है, थ्रोट इन्फेक्शन से बचना है। खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन से बचने के लिए वो भी हमारे घर में ही उसका इलाज मौजूद है। आपको जब भी खांसी होगा, गरम पानी एक गिलास पी लीजिए। गरम बोलने से हल्का गरम नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा गरम, मध्यम गरम, जिसको कि आप घूंट घूंट करके पिएंगे, एक साथ नहीं पीना है। सोचिए, आपको अभी खांसी हो गया, खांस लिए, तो थोड़ा सा गरम कर लीजिएगा पानी और उसको एक गिलास उसको घूंट घूंट करके पीजिएगा। ऐसे जितने बार दिन में जितने बार खांसी होगा, उतने बार आपको वो गरम पानी पीना है, एक एक गिलास। सोचिए, दिन में आपको 12 बार खांसी हुआ, 15 बार खांसी हुआ, तो आपको 12-15 गिलास, आधा आधा 12-15 गिलास गर्म पानी पीना है। तो ऐसे आप करेंगे तो तीसरे चौथे दिन ही आपका खांसी ठीक हो जाएगा। गर्म पानी के साथ साथ आपको क्या करना है, कुल्ला करना है, गरारे करना है। गर्म पानी में आप एक चुटकी, दो चुटकी काला नमक मिला लीजिए या फिर सेंधा नमक मिला लीजिए और आपको गरारे करने हैं। यहाँ मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आपको वो सफ़ेद वाला आयोडीन नमक
कुल्ला करने में इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें आपको सेंधा नमक या फिर काला नमक, जिसको ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं, उसको आपको कुल्ला करना है। अगर खांसी ज़्यादा है आप दिन में 3 बार कुल्ला कर सकते हैं, और अगर खांसी कम है तो दिन में 2 बार करने से भी आपका खांसी ठीक हो जाएगा, थ्रोट इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो बस हो गया समाधान। आप कोरोना से नहीं, कोरोना से मत लड़िए, सीधे सीधे कोरोना से मत लड़िए, कोरोना के सिम्टम से लड़िए आप। तो अभी आपको खांसी का उपचार हमने बता दिया, थ्रोट इन्फेक्शन का उपचार हमने बता दिया, और वायरल बुखार से बचने का उपाय तो अभी हमने नीम का चटनी काली मिर्च के साथ हमने और थोड़ा सेंधा नमक मिला के वो चटनी बनाया और उसको हमने पी लिया। अब हम साल भर बुखार से भी बच गए, तो खांसी से बच गए, बुखार से बच गए, थ्रोट इन्फेक्शन से बच गए, तो हो गया, आपको कोरोना होगा ही नहीं। आप बस आराम से निष्फिक्र होकर निरोग जीवन का आनंद लीजिए। देखिए अभी आप खांसी से गर्म पानी से भी नहीं हो रहा, अगर आपका गर्म पानी से कुल्ला से खांसी ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गर्म पानी और कुल्ला करना बंद करेंगे। गर्म पानी पीना और कुल्ला करना चालू रहेगा, उसके साथ साथ आप डॉक्टर के पास जाइए या फिर किसी भी वैद्य के पास जाइए, उनके पास खांसी के छोटे मोटे उपाय नुस्खे कुछ रहेंगे, उससे आप ठीक हो जाएंगे। और खांसी के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें अलग अलग तरीके से हम खांसी को ठीक कर सकते हैं। आप जो भी तरीका लीजिए, चाहे आप एलोपैथी दवा खाइए या आयुर्वेद दवा खाइए या किसी वैदिक का दवा खाइए, गर्म पानी पीना और सुबह दोपहर शाम को या फिर रात को कुल्ला करना बंद नहीं होगा, ये चालू रहेगा, है ना। अभी ठीक है, ये तो उपाय हो गया, और क्या उपाय है कोरोना वायरस से बचने का? देखिए कोरोना वायरस क्या हमारे जीवन में केवल कोरोना वायरस है और कोई वायरस नहीं है? बहुत तरह के वायरस हैं हमारे, हजारों हजारों तरह, लाखों तरह के वायरस हैं हमारे वायुमंडल में। हमें सिर्फ केवल कोरोना वायरस से हम बच जाएंगे, दूसरा वायरस से हम बुखार हो जाएंगे तो मर जाएंगे ना, दूसरा वायरस से हम वैक्सीनेशन लेके बच जाएंगे, तीसरा वायरस आएगा उससे हम तो बुखार हो जाएगा, मर जाएंगे ना। तो ऐसे हमारे वायुमंडल में हजारों लाखों वायरस हैं। अब हर वायरस के लिए वैक्सीनेशन या दवा या टेस्टिंग किट नहीं बन सकता, और अगर बन भी जाता है तो वो एक साधारण आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो हर वैक्सीनेशन ले ले, हर टेस्टिंग किट वो घर में रखेगा। तो हमारे आयुर्वेद में, जड़ी बूटी में ऐसे दवाइयां हैं जो हमें हर तरह के, एक दवा वो हमें हजारों वायरस से हमें बचा लेगा। कुछ ही दवा होते हैं, थोड़े मोड़े दवा होते हैं जो हमें हजारों लाखों वायरल इन्फेक्शन से, वायरस से हमें बचाते हैं और हमारे इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। तो अभी हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने का उपाय हम बताएंगे। देखिए चैत्र शुक्ल पक्ष प्रथमी साल में एक बार आता है। अभी हमने ये वीडियो बना लिया, पर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि यह चैत्र शुक्ल पक्ष प्रथमी का दिन गुजर गया हो, निकल गया हो। अब आप अगले साल तक आप इंतज़ार करेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष प्रथमी आने का? उसके पहले आपको बुखार हो गया तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में हम अपने इम्यूनिटी पर हमें काम करना है, हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति के ऊपर हमें काम करना है। अभी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए हम आपको बताते हैं
आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय हैं, जड़ी बूटी में भी बहुत सारे उपाय हैं। आपके लोकल आयुर्वेद, आपके लोकल में बहुत सारे आयुर्वेद स्टोर्स होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। देखिए, कंपनी का दवा भी है रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने का, इम्यूनिटी बढ़ाने का। कंपनी का आयुर्वेदिक दवा है, फिर कंपनी का होम्योपैथी दवा भी है रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने का। और अभी हमारे गव्य सिद्धि डॉक्टर सभी हैं हमारे आसपास में। गव्य सिद्ध डॉक्टर से भी आप संपर्क करके अपना रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने का दवा उनसे ले सकते हैं। गव्य सिद्ध डॉक्टर एसोसिएशन करके आप गूगल में सर्च मारिएगा, उनका वेबसाइट आ जाएगा। उनका वेबसाइट में हर स्टेट में, हर राज्य में, हर जिला में कहाँ कहाँ गव्य सिद्ध डॉक्टर हैं और उनके फोन नंबर सहित वो अता पता सब रहता है। आप उनसे संपर्क करके रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने का दवा उनसे मंगाकर आप सब उसका इस्तेमाल करके खुद को और अपने परिवार को बीमारियों से, कोरोना वायरस से, मलेरिया वायरस से, हर वायरस से, आप सब H1N1 वायरस से, और जो भी वो है आजकल अंग्रेजी का वो नया नया वायरस सब है। देखिए, वायरस तो हमारे वायुमंडल में सृष्टि के आरंभ से है। आप उस वायरस को अंग्रेजी का नाम दे देंगे तो वो कोई नया वायरस नहीं बन जाएगा, यह आप सब जनता सब समझ लीजिएगा। ये वैज्ञानिक लोग यही कर रहे हैं, कोई भी वायरस को कुछ भी नाम दे देते हैं, हो गया, दिखता भी नहीं है, दिखेगा भी कैसे, है ना। अच्छा, तो अभी आप गव्य सिद्ध डॉक्टरों से ये रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए क्या मंगा सकते हैं। उनके पास बहुत सारे दवा हैं, जैसे तुलसी अर्क है, वो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएगा। तुलसी अर्क के साथ आप त्रिफला घनवटी मंगा लीजिएगा, त्रिफला घनवटी। उसके बाद में एक एक बहुत ज़रूरी दवा है, वो है नसिका, जो घी से और पंचगव्य से बनता है। घी में गोबर रस, घी में गौमूत्र रस और घी में छाछ या फिर थोड़ा दही मिला के वो बनाया जाता है। आप वो गव्य सिद्ध डॉक्टर से मिलिएगा, संपर्क कीजिएगा उनसे, तुलसी अर्क, त्रिफला घनवटी और एक नसिका मंगा लीजिएगा। यह है, 1 महीने के लिए काफ़ी होता है, एक जन के लिए 1 महीने के लिए काफ़ी होता है। आप ये इतना ही, तुलसी अर्क, त्रिफला घनवटी और नसिका, इतना ही अगर आप 1 महीने इस्तेमाल कर लेते हैं एक व्यक्ति के लिए, तो वो वायरल इन्फेक्शन से बचा रहेगा। तो आप सब खुद को, अपने परिवार को कोरोना वायरस और H1N1 वायरस, जो जितने भी अंग्रेजी वाले वायरस हैं, और भविष्य में भी बहुत सारे नए नए अंग्रेजी नामों से बहुत सारे वायरस आएंगे, उन सब से बचने के लिए आप अब गव्य सिद्ध डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अपने इलाके में गव्य सिद्ध डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उनसे ये तुलसी अर्क, त्रिफला घनवटी और नसिका, ये 3 मंगा लीजिएगा। इससे आप खुद को बचा लीजिएगा, अपने परिवार को भी बचा लीजिएगा। हो गया, तो अब आप कोरोना वायरस के डर से खुद को मुक्त कर लीजिए। कोरोना वायरस से अभी लोग नहीं मर रहे, वो उसका डर से ही आधा आधा जान तो उनका निकल चुका होता है ना। तो आप सब अभी ऐसा मत सोचिए कि कोरोना वायरस का दवा नहीं है, कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन नहीं है, कोरोना वायरस का टेस्टिंग किट नहीं है, कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। इस तरह के चीज़ों को आप दिमाग से हटा लीजिएगा। आप अगर अपना रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा लेते हैं तो आपको कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, कोरोना वायरस टेस्टिंग किट की ज़रूरत नहीं है, है ना। और हमने थ्रोट इन्फेक्शन से बचने का उपाय तो बता दिया है। थ्रोट इन्फेक्शन, खांसी हो भी जाता है तो आप उसका उपाय कर लीजिएगा। साल में एक बार चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रथमी को ये नीम का चटनी बना के खा लीजिएगा।
अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो गव्य सिद्ध डॉक्टर से, अपने पास वाले गव्य सिद्ध डॉक्टर से तुलसी अर्क, त्रिफला घनवटी और नसीका, इसका इस्तेमाल 1 महीना कर लीजिएगा, उसके बाद आराम, निष्फिक्र निरोग जीवन का आनंद लीजिएगा, अपने परिवार